हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल आप सभी कैसे हैं तो देखिए मैंने तो ये 2015 का प्रीवियस ईयर प्रीवियसर है जो इसका मैंने पार्ट ए आपको करवा चुकी हूँ आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं ये 30 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए थे 30 के बाद इसमें मैं करवाऊँगी जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा मैं इसमें करवा रही हूँ क्योंकि नाइनटिया क्वेश्चनस होते हैं और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले और वेलाइकन दबा दें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके आपको पता ही है कि कल एग्जाम है और परसों मतलब ट्वेंटी वन को एंड ट्वेंटी टू ये दो दिन एग्जाम है फ्रेंड्स तो आप आइकन दबा दें क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए थर्टी वन क्वेश्चन क्या है द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन विगनिंग फॉर अ टीचर लाई इन अ एरिया ऑफ हीज एंड हर तो क्या होगा जो बोल रहा है ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी का गेटेस्ट इम्पॉर्टेंट कारण क्या है फेलियर इन बिगनिंग फॉर ए टीचर टीचर जो है जहाँ पर क्या होता है स्टार्टिंग में क्या हो रहा है वो फेलियर हो जा रहे हैं हीज या हर कुछ भी तो इसका क्या होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी uh, है रिस्पॉन्सिबल है कम्यनिकेटिव एबलिटी ऑर्गेनाइजनल एबिलिटी या पर्सोनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू दीपल तो इसका आपको क्या लग रहा है तो so, फ्रेंड्स इसका जो होगा कम्युनिकेटिव एबिलिटी है द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगनिंग फॉर ए टीचर लू टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ हिजियाहर इसका कारण है कम्युनिकेटिव एबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ टीचर यह टीचिंग एप्टीट्यूड से है फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ़ द टेक्निक इज़ वेस्ट मतलब अगर टीचर जो है जब टीचिंग कर रहा है अपने क्लास में और आ, क्या है वो क्लास क्या है लार्ज स्ट्रेंथ मतलब आ, बहुत ही बड़ा है तो आप वो कौन से मेथड को अपनाएगा कौन से टेक्निक को सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन लेक्चर एंड क्लास नोट्स ग्रुप वर्क विद अ लेक्चर डिबेट डिस्कशंस या प्रैक्टिकल तो क्या करेगा तो देखिए इसका जो होगा लेक्चर एंड क्लास नोट्स जब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा लेक्चर एंड क्लास नोट्स फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद अ लार्ज स्ट्रेंथ विच टेक्निक इज़ बेस्ट तो टेक्निक कौन सा बेस्ट हो जाएगा लेक्चर एंड क्लास नोट जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए या एंड द डैश इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैस फेसिलिटी द सियरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटरिंग डिवाइस तो पेरीफेडल डिजिटल डिवाइस एक्सपेंशन बोर्ड या नेटवर्क तो ये कंप्यूटर्स से है फ्रेंड्स तो इसका जो होगा नेटवर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा नेटवर्क नेटवर्क इज कम्बिनेशंस ऑफ हार्डवर्क एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटी द सरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटरिंग डिवाइस है ना नेटवर्क uh, रहता है तभी हम शेयरिंग कर पाते हैं तो इसलिए क्या होगा नेटवर्क होगा जनरल एप्टीट्यूड अ स्टूडेंट फिर देखिए टीचिंग से है अ स्टूडेंट इज एक्सेप्सनल वे हीज परफॉर्मेंस इज

तो चार्ट विजट चार्ट विजट यूज टू क्रिएट अ चार्ट अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आईडेंटिफाई अस्पेसिफिक डैश ऑन द वेब तो फिर से आपका कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए लिंक है पी है वेब ब्राउजर है वेबसाइट है तो क्या हो जाएगा वेबसाइट वेबसाइट एड्रेस इज यूनिक नेम दैट आइडेंटी स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब ओके तो इसका आंसर भी वेबसाइट ही होगा वेबसाइट के द्वारा ही हम पहचानेंगे है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंजेक्शंस विल यू यूज टू कम्बाइंडिंग द टू सेंटेंस इन टू वन सेंटेंस बोल रहा है कि इसमें किसके जरिए हम क्या करेंगे कंज जोड़ेंगे दो वर्ड को तो देखिए बोल रहा है सी विल हैव टू स्टडी हार्ड ठीक है वो क्या है बहुत स्टडी हार्ड क्या बोलता तो सी विल वो करेगी सी विल हैव टू कंसेंट्रेट To do well on the exam, तो इसको हम किसके जरिए जोड़ सकते हैं? Not only but also. C will have to study hard. Not only but also C will have to concentrate to do well on the exam, है ना? तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या पूछा है विलो की वर्ड गिवेन द सजेस्ट मीनिंग चूज द वर्ड फ्रेज विच इज मोस्ट नियरली सेम ऑफ द की वर्ड तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है ये है लिखा हुआ है बोर्ड जुआ बोर्जुआ मीन्स होता है पूंजीपति ठीक है बोर्जुआ तो इसका देखिए दिया है ऑर्डिनरी एग्जैक्टली exactly मिलता जुलता आपको देना है ऑर्डिनरी तो आप जानते हैं ऑर्डिनरी मीन्स होता है साधारण एरिस्टोक्रेटिक एरिस्टोक्रेटिक मीन्स होता है भव्य लिवली मीन्स होगा जीवंत एनिमेटेड मतलब सजीव तो यहाँ पे देखिए जो बोर्ड जो है उसका जो मिलता जुलता जो होगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑर्डिनरी नेक्स्ट है द ईर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय कंपाइलर आर क्या होगा बोर्ड है कि द ईर ठीक है तो इसका है सेंटेक्स इरर इंटरनल ईर लॉजिकल इरर और सिस्ट सिमेंटिक ईर तो इसका हो जाएगा लॉजिकल इरर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स लॉजिकल इरर द इर दैट कैन बी पॉइंट आउट बाय कंपाइलर आर लॉजिकल इरर जब हम कंपाइलर uh, के द्वारा उसको पॉइंट आउट करेंगे तो वो लॉजिकल इरर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु एमोंग द फॉलोइंग हैज बीन एवॉर्डेड फॉर ग्लोबल विजन अवार्ड 2010 तो ये टू थाउजेंड देख लीजिए ये टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है आ, तो लेकिन इसमें टू थाउजेंड टेन से क्वेश्चन किया गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप टू थाउजेंड ट्वेंटी अभी चला तो ट्वेंटी से ही क्वेश्चन किया जाएगा तो फीस आपने अगर मेरा आ, मैंने मंथली करेंट अफेयर करवाया है आप एक बार मेरे प्ले लिस्ट पर जा देख सकते हो तो आप जो है जनवरी से स्टार्टिंग है तो आप पूरा देख सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं है कि जुलाई का ही पूछेगा तो आप पूरे साल का एक बार गो थ्रू कर लो हु एमोंग द फलोइंगज़ बीन अवॉर्डेड फॉर ग्लोबल विज़न ऑफ टू थाउजेंड टेन तो इसका क्या हो जाएगा देखिए मुकेश अम्बानी मुकेश अम्बानी हैज़ बीन अवारेड फॉर ग्लोबल विज़न अवॉर्ड टू थाउजेंड टेन के लिए उनको मिला था अब आप देख लो ये न्यूवर्ट मैथ से है फाइन द एक्स सेवन एक्स प्लस फोर वाई डिवाइड एक्स माइनस टू वाई इफ एक्स वाई टू वाई स्कल टू थ्री वाई टू तो इसको आप सॉल्व करो वीडियो ये करके तो देखो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा सेवन नेक्स्ट है विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैन इन चेंजिंग हीज़ इन्वायरमेंट ठीक है विथ सब्जेक्ट ट्राई कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा विषय है जो कोशिश करता है क्या आदमी का जो भूमिका है उसको चेंजिंग करने का उसके इन्वायरमेंट के साथ जियोग्राफी बायोलॉजी पॉलिटिकल सैंड हिस्ट्री तो देखिए जियोग्रॉफी क्या हो जाएगा जियोग्रॉफी सब्जेक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मे मैन इन चेंजिंग हीज़ इन्वायरमेंट ठीक है चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर गिवन सेंटेंस करेक्ट वर्ड तो देखिए एक्सट्रीम ओल्ड एज वेन अ मैन बिहेव लाइक अ फूल बोला एक्सट्रीम ओल्ड एज जब पूरा वृद्ध हो जाता है आदमी तो उस आदमी का जो बिहेव बिहेव्स होता है यानी उसके जो आचरण होंगे लाइक अ फूल तो क्या होगा उसको क्या बोलेंगे सैनिलिटी इंबेसिलिटी डोटेज या सुपर सुपरनशन new, तो इसका जो होगा डोटेज बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स डोटेज नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर Approximately 650 to 800 MB of data, 74 to 80 minute of music art. क्या बोलेंगे friends? CD-ROM. तो जैसे देखिए compact disc को जो है ना, जो compact disc स्टोर कर सकता है approximately 650 से 800 MB ऑफ डाटा या 74 टू 80 मिनट्स ऑफ म्यूज़िक आर उसको हम बोलेंगे जो सी डी रॉम है उसका कैपेसिटी होता है तो वो इतना कर सकता है ठीक है तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर से है तो आपको ये फिगर देखना है एंड जो जैसे इस फिगर को इसने बनाया है बोलता है कि फाइंड आउट द फिगर वन टू थ्री फोर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीस गिवन इन पिक्चर एक्स एक्स में जो ये पीस दिया है इससे कौन सा बन सकता है तो देखो आप थोड़ा देर के लिए आप बताओ फ्रेंड्स देखो क्या होगा तो इसका हो जाएगा वन यानी इस फिगर से हमारा देखो इसको ऐसे रखा गया ठीक है और इस रॉक को ऐसे उल्टा कर रखा गया और ऐसे बन गया तो इसका वन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन तेलंगाना इशू टू यूनियन होम मिनिस्ट्री पी चिदम्बरम तो पी चिदम्बरम जो है तो बीच ऑफ फॉलोइंग कमिटी हैज़ समिटेड तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये उस टाइम टू थाउजेंड फिफ्टीन का था तो इसका हो जाएगा श्री कृष्ण कमिटी श्री कृष्ण कमिटी हैज़ समिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन तेलंगाना इशू टू यूनियन होम मिनिस्ट्री पी चिदम्बरम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी टीचर ट्रेनिंग जो है जो होता है शिक्षण प्रशिक्षण जो होता है वो क्यों शिक्षक का जो प्रशिक्षण है वो क्यों जरूरी होता है अंडरस्टैंड मेथड ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज टीचिंग स्किल अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट ऑल ऑफ़ द अब तो आई थिंक ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप खुद एक भावी शिक्षक हैं तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द एवर्ब यानी अंडरस्टैंड मेथड ऑफ़ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन अपने जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उस, उसको मेथड को भी जानना इनक्रीज टीचिंग स्किल ठीक है टीचिंग स्किल जो आपका है उसको बर, और ज़्यादा बढ़ाना धीरे धीरे लेवल को अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट और अपने नॉलेज को करेंट के साथ कनेक्ट करते चलना तो ऑल ऑफ द एव हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ अप्लाई करते चलिए अपन वॉकिंग इन टू द टीचर्स वर्क रूम अ स्टूडेंट शो द टेस्ट फॉर टूमोरो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्टूडेंट एथिकली डू तो देखिए यहाँ पे कौन कर सकता है तो लीव द रूम विदाउट रीडिंग द टेस्ट क्वेश्चन एड अ फ्यू वेल चूज इन क्वेश्चन दर द टीचर लैप आउट करेक्ट ऑब्वियस इरर ऑन द टेस्ट टू है टीचर अवॉइड इम्बेरेसमेंट रीड द क्वेश्चन एज स्टडी गाइड तो इसका देखिए क्या हो जाएगा इसका जो आपका हो जाएगा ये ए होगा लीव द रूम अपन वॉकिंग इन टू द टीचर वर्क रूम स्टूडेंट सो द टेस्ट फॉर टूमोरो On the computer screen, leave the room without reading the test questions. Okay, next question: hai. General aptitude. Which of the following diagram indicate the best relation between factory, product, and machinery? मैकेनरी तो देखिए जो फैक्ट्री प्रोडक्ट और मैकेनरी में कौन अच्छा रिलेशन बनाता है तो इसका जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा क्योंकि देखिए क्या एक फैक्ट्री जो मैकन में प्रोडक्ट एंड मैकेनरी दोनों होता है तो उस हिसाब से ये वाला ऑप्शन हमारा सही जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वीच ऑफ द फिगर वन टू थ्री फोर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पीस एक्स तो देखिए इस पीस से कौन सा हमारा बनेगा तो अब देखो तो इसका जो हो जाएगा वो थ्री हो जाएगा यानी ये वाला देखो आप नेक्स्ट है हु एमोंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हॉकी फेडरेशन आई एच एफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इंडियन हॉकी फेडरेशन तो आर के सेट्टी होगा क्या होगा आर के सेट्टी तो देखिए फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट में जो है आ, इंडियन हॉकी फेडरेशन के कौन है प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है वो है ज्ञानेंद्र निगोम्बम कौन है ज्ञानेंदर निगम्बम जो है अभी प्रेजेंट में है ठीक है तो अगर अभी पूछेगा तो ये ऑप्शन में कुछ नहीं होगा ठीक है ज्ञानेंद्र हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ ये पॉपुलेशन ऑफ टाउन दिया हुआ है एक टाउन का पॉपुलेशन इतना है इट इंक्रीज बाय फिफ्टीन परसेंट इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय ट्वेंटी मतलब पंद्रह परसेंट से वो बढ़ रहा है बीस परसेंट से वो घट रहा है सेकेंड ईयर में व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ठीक है बोल रहा है क्या है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर लास्ट में क्या हो जाएगा तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड बोल द फाइन देंटेंस इन विच एड वर्ड मॉडिफाई द होल सेंटेंस रैदर देन एनी पार्टिकुलर वर्ड ठीक है तो बोला दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो रि रेखा रीट्स क्वाइट क्लियरली रेखा रनस क्विकली अनफॉर्चुनेटली नो वन व्रजेंट देअर तो इसमें कौन सा बोल रहा है कि आपका कौन सा सही होगा तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा Unfortunately, no one was present there. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है he is too important for tolerating यानी डीले इसमें आपको grammatical error को खोजने के लिए बोल रहा है तो इसमें देखिए क्या है एट टॉलरेटिंग हो जाएगा टॉलरेटिंग होगा टू टॉलरेट होगा या विथ टॉलरेटिंग होगा तो इसमें ग्रामीटिकल ईर है तो इसका जो सर सही है वो हो जाएगा टू टॉलरेट ठीक है टू ही इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू टॉलरेट एनी डिले नेक्स्ट देखिए फ्रीडम फ्रॉम फियर इज बुक रिट एन वाइडम फ्रॉम फियर है ये किसके द्वारा लिखा गया, गया हुआ है? तो देखिए ये जो आ, बुक लिखा गया है वो है अन सैन सू की ठीक है अन सैन सू की के द्वारा फ्रीडम फ्रॉम फियर बुक जो है लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट बुक इन अ क्लास जो क्लास uh, में जो टेक्स्ट बुक यूज़ होता है उसका टेक्स्ट बुक का क्या यूज़ होता है क्लास में तो टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्लेन आइडिया एंड कंसेप्ट टू डिलीमिट विद वॉट इज़ टू बी टॉट या सी न्यू स्टैंडर्ड्स क्या हो जाएगा तो देखिए इसका जो हो जाएगा टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो um, अधिगम का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करना एक टेक्स्ट बुक का यूज होता है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए मैथ दिया हुआ है इफ़ अ बोट इज मूविंग इन अप स्ट्रीम विथ वेलोसिटी ऑफ फोर्टीन किलोमीटर पर आवर एंड गोज डाउन स्ट्रीम विथ द वेलोसिटी ऑफ फोर्टीन किलोमीटर पर आवर देन वॉट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो इसका थर्टीन किलोमीटर पर आवर हो जाएगा फ्रेंड्स तो अब इसको सॉल्व करो नेक्स्ट देखो फिर से आपको क्वेश्चन मैथ ही पूछा गया हाउ मैनी मसल्स आर देयर इन वन स्क्वायर मीटर ऑफ वायर गेज ऑफ इच मेज इज़ एट एम एम लॉन्ग एंड फाइव एम एम वाइड तो इसका जो हो जाएगा वो देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा ठीक है इसको आप सॉल्व करो सॉरी ऊपर वाला होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से डैश कनेक्ट द सीपीयू टू वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स एंड टू एक्सपेंशंस कार्ड फॉर ग्राफिक एंड साउंड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेट बसेस इंटरनेट बसेस कनेक्ट द सीपीयू टू वेरियस इंटरनल कंप्यूटर एंड एक्सपेंस कार्ड ग्राफिक एंड साउंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरटीज कैन यू नॉट एक्सपेक्ट द डेवलप यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिविटी कंसेप्ट वॉइस मॉड्यूलेशंस या कंट्रोल ओवर इमोशंस तो इसमें से क्या हो जाएगा इसमें से हो जाएगा कंट्रोल ओवर इमोशंस क्या होगा कंट्रोल ओवर इमोशंस यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट्स कंट्रोल ओवर इमोशन अगर आप पब्लिक में स्पीकिंग करें तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु टॉक इन हिस्सिफ ऐसा व्यक्ति जो सोए में कुछ बड़बड़ाता है या बोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं शॉमनी लोकविस्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ ऑडिजन ऑफ मिरान डॉक्टर इन ओ ई सी डी कंट्रीज तो इसका जो हो जाएगा कौन सा कंट्री है तो टॉप में इंडिया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वॉट इज द बेस्ट वे टू हैव अ डाटा एंड द स्लाइड नंबर अपियर ऑन एवरी स्लाइड तो कौन सा वे इसके लिए सही होगा तो देखिए इसके लिए जो वे सही होगा तो सबसे पहले जो होगा चूज इंसर्ट चूज इंसर्ट हेडर एंड फोल्डर में जाएंगे क्लिक स्लाइड टैब सेलेक्ट द डिजायर सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन एंड क्लिक अप्लाई टू ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश आर यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क सी डी ड्राइव एंड हार्ड डिस्क तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा बाइट्स ओके बाइट्स आर यूज टू मेजर द बोथ कंप्यूटर मेमोरी रैम एंड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क ओके

अंडरस्टैंडिंग द सक्सेस ऑफ बिगनिंग टीचर तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा पर्सनैलिटी एंड इट्स एविलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड द पीपल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द बेस्ट टाइम टू इवल्यूट अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस वे इन द वेस्ट टाइम वो कौन सा समय होगा जो uh, बिल्कुल सही होगा जब आप स्टूडेंट का जो उसका परफॉर्मेंस है उसका आप इवल्यूट कर रहे हैं तो वे इन द इंस्ट्रक्शन हैव इंडेड थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑनली एट द एंड ऑफ मेजर एंडिल ऑफ इंस्ट्रक्शन या वे इन द इंस्ट्रक्शन हैव बिगन तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड Throughout the instruction process. When uh, throughout the instruction process is the best time to evaluate a student performance. Next is, Nobel Prize are distributed annually at kya ho jayega, Geneva, New York, Manila, Stockholm. तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोक होम प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है हर साल कहाँ से स्टोक होम से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेनू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट तो यहां क्या होगा फाइल फाइल मेन्यू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट ओके नेक्स्ट है यू हैव अ मिक्स क्लास टू बॉय एंड गर्ल मतलब आप एक मिक्स क्लास ले रहे हो जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों हैं विच मैथड वुड यू एडोप टू इम्प्रूव को ऑपरेशन विटवीन देम तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे उन दोनों में दोनों को एक साथ जिससे वो दोनों कंफर्टेबल हो सके घुल सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके तो आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी टिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेकिन मेकिंग बॉय एंड गर्ल सेयर अ बेंच तो क्या होगा विच हैप टू बी डन टूगेदर मैं उस, उसको आप ऐसा टास्क दोगे जो दोनों मिलके करे ठीक है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर प्रोसेस फंक्शन एज अ इंटरफेस कनेक्टिंग यूजर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ओके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर ये मैनेज करता है कंप्यूटर प्रोसेस फंक्शन को इंटरफेस को कनेक्टिंग यूजर को द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड तो अधिकांश आपके क्लास में अधिकांश बच्चे क्या है कमजोर है तो आप क्या करोगे कीप योर स्पीड टू टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कंप्रीहेंस इंक्रीज कीप योर टीचिंग स्लो नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट कीप योर टीचिंग स्लो एलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल तो क्या करोगे कीप योर टीचिंग स्लो एलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स देखिए फ्रेंड्स इसके पहले का जो था ना मैंने जो वीडियो बनाया था तो थोड़ा सा स्लो में जा रही थी स्लो मतलब पढ़ा रही थी ताकि आपको समझ में आए क्योंकि क्वेश्चन सारे इंग्लिश में थे तो कि, आ, किसी ने आ, किया था मुझे कमेंट करके बोली कि मैम आपको तो आता नहीं है और आप पढ़ा रही हैं तो आ, मैंने उसको बिल्कुल भी आ, ये नहीं किया बट आ, कोई बात नहीं क्योंकि ऐसा होता ना जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो या क्लास में पढ़ा रहे हो तो सभी को ध्यान में रख के पढ़ाना पड़ता है है ना आप फास्ट हो मैं एक कैंडिडेट के लिए फास्ट uh, नहीं जा सकती क्योंकि सारे स्टूडेंट इक्वल होते हैं है ना तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो ऑब्वियसली यही होना चाहिए द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनिटेट द इंटरनेट वॉज क्या होगा वी नेट आरप नेट इन नेट एन एस एफ नेट तो इसका हो जाएगा अप्रेट ए आर पी ए अपराट ओके द फर्स्ट नेटवर्क दैट इनेटेड द नेटवर्क ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर नेक्स्ट है अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड अ टीचर जो है वो एबल नहीं है ड्रा uh, अटेंशन बच्चे के अटेंशन को ड्रॉ करने में तो, तो क्या करेगा वो शुड क्या करना चाहिए स्टार्ट डिक्टेटिंग फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल इ हिज टीचिंग मैथड एंड इम्प्रूव इट रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट या रिज़ाइन uh, uh, कर देना चाहिए तो इसका क्या होगा इवेल्युएट टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट ओके अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड अगर वो अपने स्टूडेंट का अटेंशन नहीं ले पा रहा है तो इवेल्यूएट हिज टीचिंग मैथड एंड इम्प्रूव इट उसके टीचिंग मैथड को इम्प्रूव करना चाहिए सही करना चाहिए ठीक है और मतलब उसका देखना चाहिए क्या कमी है उसके टीचिंग मैथड में है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है एड द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर आई इसमें टीचिंग प्रोसेस दे को ऑर्डर के अनुसार आपको क्या करना है सजाना है तो देखिए क्या क्या है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज इवल्यूएशन री टीचिंग फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ मेटेरियल्स तो फ्रेंड्स देखिए टोटल नाइन्टी क्वेश्चन है मैंने ये सेवेंटी फ़ाइव से बाद का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जा रहा आप लोगों के लिए भी अटेंशन बनाए रखना था मुश्किल हो जाता है तो मैं इसको भी अपलोड कर दे रही हूँ और सेवेंटी फ़ाइव के बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं हो सके तो कल सुबह तक आपको अपलोड कर दूँगी थैंक यू फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो